गुड मॉर्निंग, कसं काय सातारकर? अभी हमें सातारा में सुबह 5 बजे निकले और अभी टाइम क्या हुआ है भाई साहब? अभी बजे है 6:52। ओके, हाँ 2 घंटे लगे यहाँ पे आने के लिए। ये जो व्यू है ना मेरा, वो बहुत पसंद है यार। जब भी यहाँ पे आता हूँ अगर सुबह सुबह देखेंगे तो पूरा फॉग, ऐसे लगता है कि सिटी में आ गया है ये पूरा फॉग। माउंटेन्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं कहाँ पे? टाइटल से तो आपको समझ में आया ही होगा, हम जा रहे हैं गोकर्ण। एक्चुअली ये हॉग की ट्रिप थी, यानी पूरे हार्ली ओनर्स ग्रुप, और ये हम्पी की ट्रिप थी, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल होने से मैं जा नहीं पाया। तो कुछ लोग हैं जो गोकर्ण में अभी आज पहुंचने वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो हमने सोचा कि चलो, हफ्ता भर तो टाइम नहीं निकाल सके, लेकिन 1-3 दिन टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने ये सडनली प्लान किया, और एक्चुअली मैं निकलने वाला था अकेला, और जस्ट महेंद्र को पूछा तो महेंद्र ने बोला कि चलो यार मैं भी आता हूँ। सो 2-3 दिन। सो ये रहा महेंद्र मेरे साथ। यस, महेंद्र की स्ट्रीट है काफ़ी बढ़िया दिखती है। महेंद्र की ये फर्स्ट राइड है जो इतनी लॉन्ग राइड कर रहा है, मज़ा आ रहा है उसको। अभी हमने 117 किलोमीटर हमने क्रॉस किए, लेकिन रुकने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रोड भी अभी अच्छा चालू हुआ है। अच्छा, बाय द वे अपना रूट कैसा रहेगा कि अभी सातारा, कराड़ के बाद जाएंगे कोल्हापुर, राइट, कोल्हापुर से आगे बेलगाम, फिर हुबली, और हुबली से लेंगे गोकर्ण। तो ऐसा रूट है गूगल के हिसाब से, गूगल माता के हिसाब से 14 घंटे की जर्नी है, और 570 किलोमीटर फ्रॉम पुणे। सो लेट्स सी कि हम कितने बजे पहुंचते हैं। बाय द वे अभी एक ब्रेक लेने का चल रहा है, क्योंकि हमारे हाथ अगर देख सकते हो आप, पूरे अभी ठंडे हो गए, और उसमें मैंने हैंड ग्लोव जो पहना है वो हाफ का पहना था, तो थोड़ा अभी ठंडी लग रही है। तो मस्त में अभी गरम गरम चाय पी लेते हैं यार, फिर मज़ा आएगा गाड़ी चलाने के लिए ना। कैसे रहता है कि राइड जब भी करते हैं, हर 100 किलोमीटर पे एक स्टॉप लेना है, बस एक स्टॉप, परफेक्ट। और रोड बहुत ही अच्छा रहा तो फिर 150 किलोमीटर तक खींच सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्रेक लेते लेते एक 10 मिनट का सिर्फ ब्रेक लेते तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है राइड करने के लिए। अभी वॉशरूम के लिए यहाँ पे रुके हैं, वॉशरूम और ब्रेकफास्ट करने का यही कुछ सोचा है। अभी जो टाइम हुआ है 7:15, और अभी मेरे फ्रेंड को एक ही जो है उसको पता है कि हम आ रहे हैं वहाँ पे, बाकी लोगों को सरप्राइज है। तो लेट्स सी, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं। राइड का मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम कहाँ पे? कागल में, और हमें पहुँचने के लिए और 5 घंटे दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से 4 बजे तक पहुँचना चाहिए। सो रोड यहाँ के बहुत ही बढ़िया है, कोल्हापुर के आगे आने के बाद यहाँ के रोड जो है सुपर रोड है। सिर्फ ट्रैफिक थोड़ा बहुत है, बट दैट्स फाइन, ट्रैफिक तो रहेगा ही। तो अभी निकलते हैं आगे, आगे जाके मिलेंगे अभी। और अभी टाइम हुआ है क्या, या 10:44 इन द मॉर्निंग। चलो लेट्स गो, वॉलेट ले लिया, मोबाइल लगाया हुआ है, सो एवरीथिंग इज सेट। चलो कम ऑन, हिट द रोड। गाड़ी भगाई है, एक नंबर गाड़ी भगाई है। और रोड देखो यार, मक्खन जैसा रोड। हमने 1 घंटे में लगभग 125 किलोमीटर भगाया, वो भी ज़्यादा स्पीड नहीं, सिर्फ
120-130 मैक्स, लेकिन मज़ा आ गया है। तो अभी थोड़ा बोले कि थोड़ा एक दो मिनट रुकते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है और पानी हाइड्रेशन वो भी ज़रूरी है। शुगर किंग का जूस पीने के लिए रुके पब्लिक यहाँ पे, गांव वाले बहुत ही एंटरटेनमेंट रहते हैं। वो कन्नड़ा बोल रहे थे, हम मराठी हिंदी बोल रहे थे। एक्चुअली मुझे कन्नड़ा आता है समझ में, लेकिन मैं बोला जाने दो, वो हिंदी बोल रहे, ट्राई कर रहे, तो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग गोकर्ण, यस चालू झालेला आहे माइक। मी आपल्याला धोका दिलाय, ही जी पिन होती ये जो पिन है खराब हो गई है, तो अभी हम ऐसे ही रिकॉर्डिंग करेंगे। दुआ करते हैं कि अच्छा रिकॉर्डिंग हो डायरेक्ट। सो महेंद्र इज रेडी, अमित रेडी, मैं रेडी हूँ नहीं हूँ अभी, जल्दी से नहा के ब्रेकफास्ट के टेबल पे मिलते हैं और आपको दिखा देता हूँ हम सब लोगों की गाड़ियाँ, एक झलक वाली हेरिटेज, ये मिलिंद की, और यहाँ पे मैंने जो गाड़ी को मॉडिफाई किया, लाइट्स बिठाए, एक्चुअली सीट बिठाने के लिए गया था और उसके साथ लाइट्स भी बिठा दिए। ये स्ट्रीट, ये अमित की डिलक्स, और ये अपनी प्यारी सी ब्लैक ब्यूटी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो सीट बिठाना था, ये सीट मैंने बैकरेस्ट बिठा दी, और ये डेनाली के लाइट्स, और क्या बिठाया था मैंने, और एक चीज़ पूछ तो, हाँ फुट रेस्ट, ये हैवी फुट बैग। ये जो डेनाली के लाइट्स है, काफ़ी प्यारी लाइट्स है यार, बहुत ही बढ़िया लाइट। आप को मैंने सुबह सुबह जो दिखाया था, और ये स्ट्रीट महेंद्र की। बाय द वे गोकर्ण में ओम बीच करके है, वहाँ पे ये क्या नाम है इसका, स्टेटस ऐसा कुछ तो नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं। तो ये जो सामने दिख रहा है वहां पे एक्चुअली समंदर है, उतरने के लिए कुछ नहीं लगता भाई साहब, लेकिन यहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ का काम है। सबसे लेट मैं ही हूँ, क्या टाइम हुआ अभी 9:30, और हम जिस रूम में रह रहे हैं उसका चेकआउट एक्चुअली 10 बजे का है, तो फटाफट से लास्ट टॉक करेंगे और दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। काफ़ी सुंदर, ये हमारे फंटा सब पहुँचे यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या गुड मॉर्निंग। अभी कितने लोग, 1, 2, 4, 5, 6, अभी 4 लोग कहाँ गए, झालो फिर कॉफी वाओ यार। आपको मैं ये बीच दिखाता हूँ मैं, ये है गोविंद जी, गोविंद जी है ये, क्या बीच है यार, एक नंबर बीच है, एक नंबर, और काफ़ी क्लीन भी बीच है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ ना, उनका ब्रासलेट नहीं,
ये आइटम है मम्मी दी ये ऑमलेट और पहले तू बंद फाइनली मगा से गुलन चला कनेक्ट ऑमलेट कॉन्टिनेंटल एक बोला था धन्यवाद म्हणून त्याने ऑर्डर नाही केलं. अरे काय आहे तुझं काय ब्रेड आहे हाय बटाटा हाय हॅलो बटाटा खाना का के जाणार खाना का के पण ते ड्रोनची आयडिया मला सिद्धीशी आवड एक्चुअली थोड़ा ये मेरे को एडजस्ट करना है ये भी यहाँ पे आ रहा है थोड़ा मुझे आगे लेना है दो बुलेट करने में मेरी हालत देखो क्या हो गई स्वेटिंग फाइनली डन प्रॉपर इसका जो मुझे पोजीशन चाहिए था ये हो गया भाई लोगों की फुल क्रिएटिविटी चालू है फोटोग्राफी में नहीं 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 अरे फ्रेम ओम बीच ना मस्त क्लीन बीच है क्या भाई क्लीन क्लीन चांगला ना बेस्ट हो बेस्ट हो 300 सर अदो 300 पर हेड 300 चार प्लेस दिखाई के नाल्क प्लेस कांट बरती है अपून बीच पैराडाइज बीच लाइट हाउस संगम प्लेस तो यहाँ पे आप राइड भी कर सकते हो 300 पर हेड उसमें आधा घंटा आपको वो राइड करेंगे चार पॉइंट दिखाएंगे डॉल्फिन बोल रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारी जगह पे ऐसे ही होता है कि डॉल्फिन दिखाते हैं लेकिन डॉल्फिन तो दिखते नहीं हैं आपको कैसे दिया भैया कैसे दिया 40 को दिया सर 40 को क्या वो दिखा रहे हो क्या नहीं ये 40 को दिया नारियल 40 नारियल 40 क्या चाहिए बोल अंदर से मस्त अभी चिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के लुक एट द व्यू और एक मग चाहिए और अभी मस्त भाई सुबह में बहुत ब्रेकफास्ट हुआ था सो अभी क्या करेंगे सिर्फ स्टार्टर खाएंगे फिर जाएंगे सोएंगे मस्त में हम सर एकदम उसके बाद उसके बाद हाँ सभी अच्छे बच्चे ही हैं सभी अच्छे बच्चे फिर नहीं कभी कभी भाई के साथ चलो चलो बोट राइड आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ जाना है गोकर्ण टेम्पल गोकर्ण टेम्पल सडनली प्लान हुआ है और हम कितने चार लोग जा रहे हैं सिर्फ अमित को पीछे लग के एक बहुत बड़ा पोपट हो गया हमारा हमने सोचा था कुछ लोकेशन अलग और ये लोकेशन कुछ अलग ही लोकेशन लेकिन बहुत अच्छा है देखो ना लेकिन सी द सी व्यू
तो बहुत ही बढ़िया व्यू मस्त है। चुकी चलो अभी निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ अपने देनाली के D7 लाइट्स जो मैंने रिसेंटली बिठाया है उसका भी। अभी सभी को पता नहीं है, अमित को तो बहुत ही सरप्राइज आएगा एग्जैक्ट रिएक्शन। और ये देखो अभी D7 का कमाल है ना, पूरा दिन जैसा। अमित कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है अलग सा, जो अच्छा आया तो ठीक है नहीं तो फिर डिलीट कर देंगे। चालू है गाने? चालू है। क्या बोलना है आगे? गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट स्वीट ड्रीम। नमस्ते कैफे। नमस्ते कैफे में बहुत बढ़िया मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद ऐसी राइड हुई है, लॉन्ग राइड। सो भाई राइड के बारे में क्या बोलना है, राइड क्यों करनी चाहिए और टाइम क्यों निकालना चाहिए? कि जिंदा हो तुम क्या ना तो बोलना जिंदा हो। जैसे कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना, किसने जाना। राइड तो करना चाहिए, घूमना चाहिए। और राइड का जो एक मज़ा है वो अलग ही है कि राइड में क्या होता है, आप सोलो रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो खुद से बातें होती रहती हैं। मतलब आज तो बहुत लंबा, आप मतलब पुणे से 600 किलोमीटर स्ट्रेच जो हमने किया बहुत अच्छा था। उसमें खुद से इतनी बातें हो रही थी, दिन भर हम खुद से बातें कर रहे थे, तो बहुत बहुत अपना ही खुद को ही जानने का एक टाइम मिलता है अपने को, क्योंकि इतना टाइम हम कभी निकालते नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑफिस में बैठे बैठे ऑफिस का काम रहता है, बाकी मतलब वही उलझन में अटके हुए हैं। लेकिन आज कल जो एक्सपीरियंस किया वो कुछ हटके था, अलग था, तो मजा आ गया। अभी रेगुलरली कुछ ऐसे राइड करने का प्लान तो करेंगे बिल्कुल। और खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। और एक जो राइड, राइड ये सिर्फ बहाना है, मैं ऐसा नहीं कहता कि राइड करने से कुछ अलग होता है, ऐसा नहीं है। आप राइड करो, ट्रैवल करो, दुनिया घूमो, अलग अलग लोगों को मिलो। इसमें क्या होता है कि आपका एक तो नॉलेज बढ़ जाता है, हर टाइप के लोग आपको समझ में आते हैं, और एक जीने का एक तरीका एक अलग अलग हो जाता है। और छोटी छोटी चीज़ों में जो एंजॉयमेंट आता है वो तो भी पता चलता है। एग्जैक्टली, जिंदगी के मज़े ले लो, क्योंकि ऐसी भी जिंदगी तो आपकी ले ही रही है। राइट, यस। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज अरुण साइनिंग ऑफ APG राइडर व्लॉग। ऐसी वीडियोज हम लाते रहेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ। ट्रैवलिंग करो, दुनिया देखो, दुनिया घूमो। टाटा, बाय बाय। Yeah.